सही टीवी का चुनाव कैसे करें। इंडिया में 100 से भी ज्यादा टीवी ब्रांड्स अवेलेबल हैं, पर कौन सा टीवी आपके लिए बेस्ट है ये आप कैसे डिसाइड करेंगे। चलिए कोशिश करते हैं इस सवाल के जवाब को आपके लिए इजी बनाने की। ये वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू ने टेक्नोलॉजी से जुड़े डिसीजंस को आसान करने के लिए बनाया है। ये वीडियो ना ही किसी कंपनी से स्पॉन्सर्ड है और ना ही इन्फ्लुएंस्ड। इलेक्ट्रॉनिक रॉक्स इनिशिएटिव में बना हर वीडियो कंज्यूमर अप्लायंसेस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स के साथ की गई रिसर्च से बना है। आपको ये जान लेना चाहिए कि मार्केट में अब दो तरह के टीवी आते हैं, नॉर्मल और स्मार्ट। इनका सबसे बेसिक डिफरेंस ये है कि नॉर्मल टीवी सिर्फ और सिर्फ डीटीएच यानी केबल नेटवर्क पर मिलने वाले चैनल ही दिखा पाते हैं, वहीं स्मार्ट टीवीज पर आप कंटेंट को सीधा इंटरनेट से भी ब्राउज और प्ले कर सकते हैं। कई स्मार्ट टीवीज में तो आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। मार्केट में स्मार्ट और नॉर्मल टीवीज का प्राइस डिफरेंस करीब 1500 रुपीज होता है, यानी जहां आपको एक ब्रांड का 32 इंच नॉन स्मार्ट टीवी रुपीज 10,000 में मिलेगा, वहीं उस ब्रांड का स्मार्ट टीवी रुपीज 11,500 से रुपीज 12,000 तक के प्राइसेस में इजीली मिल जाएगा। अब बात करते हैं डिस्प्ले यानी टीवीज में यूज होने वाली पिक्चर क्वालिटी के बारे में। टीवीज के डिस्प्ले के बारे में बात करने से पहले इस बात पे खासा ध्यान रखिए कि आप टीवी को खुद से कितनी दूर इंस्टॉल करने वाले हैं। ऐसा करने से आप काफी पैसे तो बचा ही पाएंगे, साथ साथ आपकी आईज पर भी ज्यादा स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। अगर आप टीवी को खुद से 4 या 5 फीट की दूरी पर इंस्टॉल करने वाले हैं तो 24 इंच का टीवी आपके लिए बेस्ट रहेगा। वहीं अगर आपके और टीवी के बीच का व्यूइंग डिस्टेंस 6 से 7 फीट है तो 32 इंच खरीदना रिकमेंडेड है, और टीवी व्यूइंग डिस्टेंस अगर 8 से 10 फीट है तो 39 इंच से 43 इंच तक के टीवी आपके लिए बेस्ट रहेंगे। अब बात करते हैं डिस्प्लेस के बारे में। मार्केट में टीवीज अभी दो तरह के एलईडी डिस्प्लेज में अवेलेबल है। इन्हें नॉर्मली एलईडी एलसीडी या ओएलईडी यानी ओलेड के नाम से जाना जाता है। जहां एलईडी एलसीडी अफोर्डेबल टीवी कैटेगरी में आते हैं, वहीं ओलेड को मार्केट में जनरली प्रीमियम टीवीज माना जाता है। हम रेकमेंड करेंगे कि अगर आप 55 इंच या उससे बड़ा टीवी ले रहे हैं तो ही ओलेड में इन्वेस्ट करें, और अगर आप 55 इंच से स्मॉल साइज वाले टीवी लेने का मन बना रहे हैं तो अल्ट्रा एचडी पिक्चर यानी यूएचडी क्वालिटी के टीवी में ही इन्वेस्ट करें। यूएचडी टीवीज को कई ब्रांड्स 4K भी बोलते हैं। 32 इंच से छोटे साइज का टीवी देख रहे हैं तो हम रेकमेंड करेंगे आप एचडी या फुल एचडी में ही इन्वेस्ट करें। टीवी फॉर वीडियो गेम्स। अगर आप टीवी वीडियो गेम्स खेलने के लिए लेने वाले हैं तो हमेशा फास्ट मोशन यानी FPS वाला टीवी लें। 120 हर्ट्ज या उससे ज्यादा मोशन रेट वाला टीवी ना सिर्फ आपको बेस्ट वीडियो गेमिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा, बल्कि ये क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स देखने के लिए भी बेस्ट होता है। टीवी खरीदते वक्त व्यूइंग एंगल्स पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। कई टीवीज को जब आप साइड से देखते हैं तो डिस्प्ले की कलर क्वालिटी काफी खराब हो जाती है। स्पीकर इन टीवीज। डिस्प्ले के बाद टीवी में दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसकी साउंड क्वालिटी। कई ब्रांड्स साउंड सर्टिफिकेशन का नाम लेकर अपने टीवीज को प्रमोट करते हैं, जो हो सकता है आपको काफी कंफ्यूजिंग लगे। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर आप 32 से 40 इंच वाले टीवीज में इन्वेस्ट करने वाले हैं तो ऐसे टीवीज खरीदिए जिनमें 15 से 20 वॉट वाले स्पीकर्स इक्विप्ड हो। वहीं अगर आप टीवी व्यूइंग डिस्टेंस ज्यादा रखने वाले हैं तो 25 से 35 वॉट स्पीकर वाले टीवी में इन्वेस्ट करें। एक्सपर्ट्स की राय है कि 15 वॉट से कम स्पीकर्स वाले टीवी नॉर्मली अच्छी साउंड क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करते। वारंटी। अलग अलग टीवी ब्रांड्स अलग अलग वारंटी के साथ मार्केट में टीवी रिटेल कर रहे हैं। ऐसे में जरूरी ये है कि आप ये जरूर पूछ लें कि टीवी का पैनल यानी डिस्प्ले वारंटी में कवर है भी या नहीं। आपको ये जान लेना चाहिए कि टीवी डिस्प्ले नॉर्मली टीवी की प्राइस का ज्यादातर हिस्सा होता है, और टीवी में सबसे महंगा उसका डिस्प्ले ही होता है। Images of models used in the video. Electronics for You पिछले 50 सालों से टेक्नोलॉजी मैगजीन्स, वेबसाइट्स और इवेंट्स करता आ रहा है, लेकिन अब इन वीडियोस के थ्रू हम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डिसीजंस को सबके लिए आसान बनाना चाहते हैं। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।